Good morning, students. Today's video lecture on popular demand is based on self commitment and specification. As you must have understood by now, students, that the essence of the whole paper, genes and differentiation, is based on this topic. जीन्स एंड डिफ्रेंसीशन का पूरा पेपर जो है स्टूडेंट्स वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है. अगर हम इस टॉपिक सेल कमिटमेंट एंड स्पेसिफिकेशन को अच्छे से समझ लेते हैं तो इस पेपर को समझने में हमें आसानी होगी. सो अगेन अ क्विक रिकैप ऑफ दिस टॉपिक. हम कह रहे हैं कि एक सेल जो ब्लास्टुला स्टेज में होता है उस सेल को आगे जाके वो क्या बनेगा, उसका आगे क्या फेट होगा. अगर हम ऐसे सारे सेल्स का फेट डिटरमाइन कर लें एम्ब्रियो का तो वो फेट मैप होता है. सिंपल डेफिनेशन ऑफ फेट मैप जो कि 1 मार्क की आपके क्वेश्चन पेपर में आती है. व्हेन यू डिटरमाइन द फेट ऑफ ईच एंड एवरी सेल ऑफ एन एम्ब्रियो वी कॉल इट एज फेट मैप. Fate map is a diagram. It is a diagram of that organism at a very early stage. वो एक diagrammatic representation है कि आगे चल के वो organism कैसा बनेगा. Okay? Now, हम कहते हैं कि जो zygote है that is single-celled and totipotent. Zygote में जो totipotency है वो क्या होती है स्टूडेंट, 2 to 4 सेल स्टेज के बाद ख़त्म हो जाती है एनिमल्स में. प्लांट्स में वो टोटिपोटेंसी रहती है. दैट इज़ वाई प्लांट्स का जो डेवलपमेंट होता है वो ओपन टाइप ऑफ डेवलपमेंट होता है. प्लांट्स में मेरिस्टमैटिक सेल्स जो होते हैं पूरी ज़िंदगी रहते हैं. एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है. सो एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स टोटिपोटेंसी सेल्स की ख़त्म होती जाती है और उनका फेट जो होता है वो डिटरमाइन होता है. अब हमारा गोल क्या है स्टूडेंट्स, हमें ये समझना है कि एक पर्टिकुलर सेल जो होता है वो फाइनली एक ऑर्गेनिज्म में जाके क्या बनेगा, ये फेट हमको डिटरमाइन करना है. अगर ये फेट हमको डिटरमाइन करना है तो हमें एम्ब्रियो के अंदर जो 4 कॉमन प्रोसेसेस होते हैं उनको समझना पड़ेगा. जो फर्स्ट प्रोसेस होता है दैट इज सेल प्रोलिफरेशन, जिसमें सेल मल्टीप्लाई करता है. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू जायगोट इज सिंगल सेल्ड, दैट सिंगल सेल जायगोट विल बिकम मल्टी सेल्यूलर इन द ब्लास्टुला स्टेज. तो हमें ये स्टडी करना है कि फर्स्ट स्टेप जो है सेल प्रोलिफरेशन वो कैसे होता है. सेकेंड स्टेप होता है हमारा सेल स्पेशलाइजेशन. थर्ड स्टेप है सेल सेल इंटरैक्शन जिनमें मॉर्फोजन ग्रेडियंट्स काम आते हैं. एंड द फोर्थ स्टेप इज सेल मूवमेंट जो कि हमने गैस्टुलेशन में पढ़ी, जिन्हें हम मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स कहते हैं. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ब्लास्टुला स्टेज में जब सेल प्रोलिफरेशन हो गया उसके बाद सेल स्पेशलाइजेशन कैसे होता है. तो अगर हम डेवलपमेंटल प्रोसेस अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वी ऑलरेडी नो कि स्टेजेस उसकी क्या होती हैं. पहला फर्टिलाइजेशन, जायगोट, जायगोट में क्या बना, ब्लास्टुला, मोरुला एंड देन गैस्टुलेशन. वी हैव टू स्टडी दैट ये जब स्टेजेस प्रोसीड करती हैं फ्रॉम जायगोट टू गैस्टुला तक तो अंदर एम्ब्रियो के अंदर प्रोटीन्स एंड एमआरएनए का क्या रोल होता है, ये भी हमको स्टडी करना है. नाउ अगर हम सेल का फेट डिटरमाइन करना चाहते हैं कि वो आगे जाके एक ऑर्गेनिज्म में क्या बनेगा, एम्ब्रियो में जो सेल है वो आगे ऑर्गेनिज्म में जाके क्या बनेगा, तो हमें उसकी 2 स्टेजेस देखनी पड़ती हैं. पहली स्टेज होती है कमिटमेंट और डिटरमिनेशन. हमने क्या कहा, ये स्टेप वो है जहाँ पे सेल का स्पेसिफिकेशन होता है. नाउ इन द स्टेट ऑफ बीइंग कमिटेड और स्पेसिफाइड, कमिटमेंट या स्पेसिफिकेशन में सेल ने क्या किया है, एक पर्टिकुलर फेट. मैंने ये आपको पहले भी समझाया कि सेल आरबीसी बनने को तैयार है पर इस स्टेज पे वो रिवर्ट बैक कर सकता है, रिवर्स हो सकता है और वो आरबीसी की जगह डब्ल्यूबीसी भी बन सकता है. जबकि जो सेकेंड स्टेज होती है दैट इज नोन एज डिटर्मिनेशन. व्हेन द सेल एंटर्स इनटू द सेकेंड स्टेज दैट इज डिटर्मिनेशन देन इट कैन नॉट रिवर्ट बैक.
अब उसे आरबीसी ही बनना पड़ेगा। सो दोनों स्टेजेस में ये डिफरेंस है। कमिटमेंट में सेल ने रिवर्ट बैक कर सकता है, डिटर्मिनेशन में वो रिवर्ट बैक नहीं करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने मेंशन किया है कि अगर सेल डिटरमाइन हो गया है कि उसे ब्रेन सेल ही डिफरेंशिएट होके बनना है, तो इट कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्किन सेल। डिटर्मिनेशन के बाद डिफरेंशिएशन होता है। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन में सेल के अंदर स्पेसिफिक एमआरएनएज और प्रोटीन्स आएंगे, स्पेशल स्ट्रक्चर्स आएंगे जो उसको एक ब्रेन सेल या नर्व सेल में कन्वर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने कहा कि पहला स्टेप हमारा है कमिटमेंट और दूसरा है डिटर्मिनेशन, उसके बाद डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो डिटर्मिनेशन वाला स्टेज है, ये डिटर्मिनेशन क्या है? चेन स्टेबल है। डिटर्मिनेशन में वो कभी रिवर्ट बैक कर ही नहीं सकता, तो हमने ये कहा कि डिटर्मिनेशन के बाद ही डिफरेंशिएशन होगा। ओके, डिफरेंशिएशन की वजह से हर सेल को उसकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी मिलती है। डिटर्मिनेशन के बाद ही डिफरेंशिएशन होगा और डिफरेंशिएशन में हर सेल को आइडेंटिटी मिलेगी, वेदर इट विल बिकम अ ब्लड सेल, अ नर्व सेल और अ मसल सेल। नाउ डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन में सेल को आइडेंटिटी मिल रही है, सेल में नए स्ट्रक्चर्स अपीयर कर रहे हैं, सेल कैन परफॉर्म न्यू फंक्शंस। सो डिफरेंशिएशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। और डिफरेंशिएशन से पहले क्या हो रहा है? कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन। ओके, अब कमिटमेंट में क्या क्या हो रहा है? स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। कमिटमेंट में एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है, उसने कमिट किया है कि मुझे आरबीसी बनना है, तो उसमें पहला स्टेप होगा स्पेसिफिकेशन, फिर डिटर्मिनेशन और फिर डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब स्पेसिफिकेशन क्या है, जिसको हमने कमिटमेंट कहा था स्टूडेंट्स, कि वो रिवर्ट बैक भी कर सकता है। कंप्लीट डेफिनेशन अगर हम देखें स्पेसिफिकेशन की, तो इट इज केपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑटोनॉमसली व्हेन प्लेस्ड इन अ न्यूट्रल एनवायरमेंट। ओके, नॉट व्हेन प्लेस्ड इन नॉन न्यूट्रल एनवायरमेंट। नॉन न्यूट्रल एनवायरमेंट का मतलब क्या है? रिवर्सिबल एनवायरमेंट। डिटर्मिनेशन क्या है? केपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑटोनॉमसली, अपने आप वो केपेबल है डिफरेंशिएशन का, एनवायरमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। स्पेसिफिकेशन में एनवायरमेंट इज प्लेइंग रोल, डिटर्मिनेशन में नहीं रोल प्ले करता है। तो हमने पढ़ा स्टूडेंट कि जब सेल का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप उसकी है स्पेसिफिकेशन, सेकेंड डिटर्मिनेशन, इन दोनों को मिला के हम कमिटमेंट कहते हैं, और उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा। अब स्पेसिफिकेशन क्योंकि एनवायरमेंट बेस्ड है, इसमें सेल रिवर्ट बैक भी कर सकता है, तो स्पेसिफिकेशन इज ऑफ थ्री टाइप्स। पहला ऑटोनॉमस, जिसे मोजेक भी कहते हैं, सेल्स डेवलप ओनली अकॉर्डिंग टू देयर अर्लियर फेट, सीनोरहैबिटस एलिगेंस में ये होता है। सेकेंड टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन इज सिंसीटियल। सिंसीटियल का मतलब होता है सेल का फेट इज डिपेंडेंट ऑन साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट इन दी सेल, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स। एंड द थर्ड टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन इज कंडीशनल, व्हिच इज नोन एज रेगुलेटिव। कंडीशनल या रेगुलेटिव जो होता है वर्टिब्रेट्स में होता है, जिसमें सेल का फेट जो होता है डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल एनवायरमेंट। कंडीशनल या रेगुलेटिव में सेल का फेट जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंट। दीज थ्री वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, स्पेसिफिकेशन ऑटोनॉमस जैसे मोजेक भी कहते हैं, और कंडीशनल जो रेगुलेटिव होता है और वो वर्टिब्रेट्स में होता है। नाउ आफ्टर दिस स्टेप दैट इज स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, डिफरेंशिएशन आता है। डिफरेंशिएशन में स्टूडेंट्स जीन्स का रोल आ जाता है। डिफरेंशिएशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन डिफरेंशियल जीन
एक्सप्रेशन, बिकॉज इन डिफ्रेंसिएशन वी नो कि सेल में पर्टिकुलर फंक्शन अक्वायर करने की कैपेबिलिटी आ जाती है, इसमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स एंड एमआरएनएज आएंगे, तो डिफ्रेंसिएशन जो है वो जीन एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, जो स्पेसिफिकेशन है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी इन्फ्लुएंस्ड है। ओके, तो स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन जो हैं वो एनवायरमेंटली इन्फ्यूज्ड एनवायरमेंटल इंटरैक्शंस पे भी डिपेंड करते हैं। सेल की पोजीशन क्या है, उसके सराउंडिंग में कौन से सेल्स हैं, जबकि डिफरेंशिएशन जो होता है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन जीन एक्सप्रेशन। इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस टॉपिक अगेन।